Hello and welcome to this video. I am Poonam Dua from MN Education Academy of Literature, and we are bringing to you a series of important questions for all literature aspirants.

द कॉलोस वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ द पोम्स पब्लिश्ड बाय विच पोइटरीज आई नो आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं अगर जानते हैं तो वीडियो को एक बार पॉज करिए आंसर करिए और मेरे आंसर के साथ उसको मैच करिए सब कुछ नोट करिएगा प्लीज आपके लिए बहुत काम आएगा सिल्विया प्लाथ इसका करेक्ट आंसर है द कॉलुस एंड अदर पोम्स इज अ पोइट्री कलेक्शन बाय अमेरिकन पोइट्सिल्विया प्लाथ जो कि पब्लिश हुई थी नाइनटीन सिक्सटी में हमारा क्वेश्चन ही इस आंसर को बता रहा है कि कब पब्लिश हुई थी 1960 में। इट इज वॉल्यूम ऑफ पोएट्री बाय प्लाथ दैट वाज पब्लिश्ड बिफोर हर डेथ मैं आपको बता दूं सिल्विया प्लाथ की डेथ बहुत ही अर्ली एज में हो गई थी इन अर्ली थर्टीज शी वाज अराउंड थर्टी और थर्टी वन में शी डाइड कमिटिंग सूसाइड और यही सिर्फ इकलौता कलेक्शन है जो कि उनकी डेथ से पहले पब्लिश हुआ उनकी बाकी पोएट्रीज उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी एंड शी इज आल्सो क्रेडिटेड विद एडवांसिंग दी जॉनरी ऑफ कन्फेशनल पोएट्री तो आपको अगर कहीं पर ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी राइटर कन्फेशनल पोएट्री से एसोसिएटेड है और सिल्विया प्लाथ वहां पर ऑप्शन है तो आप उस क्वेश्चन को भी आंसर कर पाएंगे शी डाइड इन 1963 सिक्सटी थ्री बायिटिंग सूसाइड कन्फेशनल पोएट्स हम उन सभी पोएट्स को कहते हैं जो जनरली अपनी लाइफ के डिप्रेशन अपनी लाइफ के ट्रामाज और अपने बारे में ज्यादा लिखते हैं सो लेटेस्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन वॉट इज द स्टडी ऑफ पोएट्रीज मीटर एंड फॉर्म कॉल करेक्ट आंसर इज

There are many types of rhyming uh, rhythmic patterns in poetry, but the one that you likely heard of most is iambic pentameter. Shakespeare's uh, favorite, Shakespeare is famous for writing in iambic pentameter, and you can find it in multiple forms in each one of his plays. He often used the popular rhymed iambic pentameter, but not, but not always. In Macbeth, for example, Shakespeare employed unrhymed iambic pentameter. A, क्या कोई मुझे बता सकता है अनराइम्ड अयाम्बिक पेंटामीटर्स को क्या कहा जाता है इट इज कॉल्ड इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंक वर्स तो कई नोबल कैरेक्टर्स को डायलॉग्स देने के लिए शेक्सपियर ने मैकबेथ में ब्लैंक वर्स का भी इस्तेमाल किया है ओके विद दिस नॉलेज नेक्स्ट मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड

वेन इज़ टॉकिंग टू मी हवा मुझसे बातें कर रही थी तो हवा मुझसे सच में बातें नहीं कर रही थी मैंने सिर्फ हवा को प्रसोनीफाइड क्वालिटीज़ ह्यूमन क्वालिटीज़ प्रोवाइड की हैं तो अगर आप नाम से भी देखते हैं ना प्रसोनीफिकेशन तो इसका मतलब ही ये आता है कि, कि किसी चीज़ को प्रसोनीफाई किया जा रहा है मतलब क्वालिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं ह्यूम्स की तो कई चीज़ें कई बार ऐसी होती हैं कि यू डू नॉट इवन नो यू हैवेंट इवन हर्ड ऑफ इट लेकिन तब भी आप अपनी बेसिक जी के बेसिक जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग उन चीजों को आंसर कर सकते हैं तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दैट टेल्स अ स्टोरी विथ प्लॉट सेटिंग एंड कैरेक्टर देखिए जिस चीज की मैं बात कर रही थी ना कि अगर आपने नहीं भी सुना है तो अपनी नॉलेज के थ्रू अपनी जीके के थ्रू आंसर कर सकते हैं अब यहाँ देखिए द करेक्ट आंसर इज नरेटिव क्वेश्चन क्या कह रहे हैं एक ऐसी पोएट्री जो कि स्टोरी बताती है हमें तो स्टोरी बताने वाली चीजें क्या होती है नरेटिव इन सब में से तो नरेटिव का मतलब ये होता है कि कुछ सुनाया जा रहा है कोई कहानी सुनाई जा रही है तो दैट दिस इज द करेक्ट आंसर नरेटिव पोम्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ पोम्स दैट टेल्स अ स्टोरी फ्रॉम यू कैन से रिदमिक बैलेड्स टू लॉन्ग एपिक्स टू शॉर्ट नरेटिव पोम्स फॉर किड्स स्पेसिफिकली और नरेटिव uh, पोम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक जो कि सभी ने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा ऑल दो मैं अपने स्टूडेंट्स को जब भी एग्जाम्पल देती हूँ वो कहते हैं मैम टेंथ क्लास तो तीन साल पहले चार साल पहले पाँच साल पहले पढ़ी थी आप कितनी पुरानी बातें कर रहे हो लेकिन मैं सभी को यही सजेशन देती हूँ कि प्लीज़ अपनी पुरानी पढ़ी लिखी चीज़ें मत भूलिए आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं ना स्पेसिफिकली फॉर लिटरेचर स्टूडेंट्स ज़रूर काम आता है क्योंकि लिटरेचर के बारे में कहा ही ये जाता है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ लाइफ तो आप लाइफ को जितना अच्छे से जानेंगे उतना ही आप लिटरेचर को अच्छे से जानेंगे क्योंकि ये सभी नॉवेल्स बुक्स पोइम्स कोई आसमान से तो उतरी नहीं है हम ह्यूमंस की स्टोरीज पर ही बेस्ड हैं तो अपनी स्टोरीज को अपनी लाइफ को अपनी सराउंडिंग्स को ही अच्छे से जान लीजिए उसके साथ साथ ही आप लिटरेचर को भी जान जाएंगे तो बात करते हैं राइम ऑफ एशियन मेरिनर की ये लिखा था किसने एस टी कॉलरिज ने एस टी कॉलेज जिन्होंने सेवनटीन में लिरिकल बैल्ड लिख रोमांटिक एरा की भी शुरुआत की थी एस टी कॉलेज और वर्ड्सवर्थ ने तो ज और उनके फ्रेंड, बेस फ्रेंड बेस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है है 1798 में 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 रोमांटिक एरा की शुरुआत करने में भी। तो देखिए बातों बातों ही बातों में आपको कितनी और एडिशनल नॉलेज मिल गई मे इसमें इस से कुछ आपके एग्जाम में काम आ जाए okay, no की, की क्वेश्चन और तो क्या है लेकिन अब अब हम बात करें एक ऐसी पोइट्री जिसमें ना मीटर है ना राइम है ऐसी पोइट्री को क्या कहते हैं फ्री वर्स तो फ्री वर्स इज डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज अ पोएट्री दैट इज फ्री फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ रेगुलर मीटर और रिदम कोई रूल्स कोई रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते इस पर इट डज नॉट राइम इन द फिक्स्ड कन्वेंशनल फॉर्म और इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ अ सुपर मार्केट इन कैलिफोर्निया ये एक पोइट्री है पोइट्री बाय फेमस अमेरिकन राइटर एलेन गिन्सबर्ग। ये पोएट्री कम्पलीटली फ्री वर्स में लिखी गई है ना ही मीटर फॉलो होता है ना ही राइम फॉलो होती है ओके नेक्स्ट सिल्विया प्लाथ के बारे में एक और क्वेश्चन आ गया है हमारे पास सिल्विया प्लाथ मैरिड विच इंग्लिश पोएट द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज Ted Hughes. Puranantha Ted Hughes T E D. Ted Hughes was an English poet, translator, and children's writer. एंड क्रिटिक्स और एक और एडिशनल फैक्ट मैं बता रू इनको की का भी मिला था नाइनटीन एटी फोर में नाइनटीन एटी 1984 में 1984 आपको दोबारा से बता रही हूँ पोयट लॉरिएट जो की एक बहुत अच्छी सम्मानजनक पोजिशन मानी जाती है इट्स काइंड ऑफ की आपको कोई बहुत ही बेहतरीन अवॉर्ड मिला है तो इतने सारे पोएट्स में से अगर आपको चूज किया गया एक पर्टिकुलर पोजिशन के लिए तो दैट इज समिंग वेरी डिग्न मैग्नीफाइड तो काफ़ी सम्मानजनक पोजीशन है जो कि 1984 में टेड ह्यूज को प्रोवाइड की गई थी तो देखिए आपको फिर से एक एडिशनल नॉलेज मिल गई है अब बढ़ते हैं इन लाइंस की तरफ हूँ रोड दिस आ, फेमस लाइन शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे ओके मैंने जब आयाम्बिक पेंटोमीटर समझाया था अपने स्टूडेंट्स को एक वीडियो में तो मैंने इसी एग्जाम्पल को यूज़ किया था अब नॉलेज कहाँ की कहाँ यूज हो सकती है अगर आपने उस वीडियो को क्लियरली देखा है तो आप इसका आंसर आराम से कर पाते हैं दिस इज सोनेट नंबर एटीन बाय शेक्सपियर शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं 154 सभी लोग जानते होंगे शायद 154 टोटल सोनेट लिखे हैं शेक्सपियर ने उसमें से सोनेट नंबर 18 जो कि सबसे ज्यादा फेमस भी माना जाता है बेस्ट नोन ऑफ ऑल 154 फिफ्टी फोर सोनेट रिटन बाई इंग्लिश प्ले राइट एंड पोएट विलियम शेक्सपियर इन दिस सोनेट द स्पीकर आस्क वेदर ही शुड कंपेयर अ यंग मैन टू अमस्टे और नॉट और आप अगर ठीक से बोलकर देखें तो आयाम्बिक पेंटामीटर का मजा भी ले सकते हैं इसमें लाइक शलाई कंपेयर दूस डे तो अगर आप ठीक से बोलते हैं तो आपको एक ही पोइट्री एक ही क्वेश्चन करते हुए काफी एडिशनल नॉलेज मिल जाती है अगर आप प्रॉपरली अपनी सारी सेंसेस का यूज करते हैं किसी भी आंसर को पढ़ने में तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आंसर को जानने की क्वेश्चन को जानने की सभी चीजों की कोशिश करिए आपकी नॉलेज अपने आप ही बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगी अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कॉल सैनबर्ग के बारे में जानते हैं जो कि एक बहुत ही फेमस पोएट रह चुके हैं बायोग्राफर भी कॉल सैनबर्ग वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड बायोग्राफर अब इनकी एक पोएट्री है प्लांट वाइट फील्ड इट कंटेन्स काइंड ऑफ इमेजरी द आंसर इज करेक्ट आंसर इज वॉर कॉल एंडबर्ग जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिकन पोएट और बायोग्राफर थे ही वन थ्री पोलिटसर प्राइज टू फॉर हिस पोएट्री एंड वन फॉर हिस बायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन जो कि सबसे फेमस प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी किसने लिखी है कॉल सैनबर्ग आपके पास एक और एडिशनल नॉलेज आ गई इसी वीडियो को करते हुए सो बात करते हैं इस क्वेश्चन की इन दी पॉम प्लांक वाइट फिश ही डिस्क्राइब्स अ कॉन्वर्सेशन इन अ शिकागो रेस्टोर दैट सेंटर्स ऑन वन मैं वॉर रिकलेक्शंस वॉर मेमरीज तो वॉर की कुछ मेमरीज से रिलेटेड डिस्कशन है इस पोएट्री में सो इट इज बेस्ड अपॉन द इमेजरी ऑफ वॉर ओके लेटेस्ट मूव ऑन टू दास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे द क्वेश्चन ओके शेक्सपियर के बारे में ये है हमारा ये क्वेश्चन भी फ्रॉम विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज द फेमस लाइन डिट माई हार्ट लव टिल नाउ फॉर स्वेयर इट साइट फॉर आई नेवर सॉ अ ट्रू ब्यूटी ऑन टिल दिस नाइट कौन से प्ले से लिया गया है कौन से प्ले से ली गई हैं ये लाइन्स द करेक्ट आंसर इज रोमियो एंड जूलियट रोमियो एंड जूलियट एक ट्रेजिडी है रिटर्न बाय विलियम शेक्सपियर इन अर्ली ऑफ अर्ली लाइफ ऑफ हिस करियर अबाउट टू यंग स्टार क्रॉस्ड लवर तो स्टार क्रॉस लवर पर आप ध्यान दीजिए स्टार क्रॉस लवर का मतलब बिल्कुल अपोजिट पोल अपार्ट फैमिली फैमिलीज ये वर्ड भी शेक्सपियर का ही दिया हुआ था और जिनके डेथ के बाद ही उनकी फैमिलीज उनकी फ्यूडिंग फैमिलीज उनकी दुश्मन फैमिलीज आपस में समझौता करती हैं रिकन्सल्ट करती हैं इट वॉज अमंग शपियर्स मोस्ट पॉपुलर प्लेस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड अलॉन्ग विद हेम हैमलेट ऑल्सो हेमलेट भी काफी फेमस प्ले रहा है तो अलॉन्ग विद हेमलेट दिस इज वन ऑफ दी मोस्ट फेमस प्लेस बाय हिम पब्लिश हुआ था 1597 में और रोमियो एंड जूलियट में रोमियो रोमियो को पहले तो प्यार हो जाता है एक मेडन से जिसका नाम है रोजालिन बट वन्स ही लेस हिज आइज ऑन जूलियट तो उसको लगता है कि नहीं यार ये जूलियट ज्यादा खूबसूरत है रादर देन रोजालिन और रोजालिन एकदम से उसके दिमाग में एक हिस्ट्री बन जाती है एंड ही सेज टू जूलियट दीज लाइंस डिड माय हार्ट लव टिल नाउ फॉर स्वेयर इट्स साइट फॉर आई नेवर सॉ ट्रू ब्यूटी टिल दिस नाइट तो ही सीज जूलियट उसको ऐसा लगता है कि जूलियट इज द ट्रू लव ऑफ माई लाइफ एंड शी इज दी ट्रू ब्यूटी अभी तक जो मेरा सो कॉल्ड अट्रैक्शन था दैट वॉज जस्ट इन अट्रैक्शन विद रोजालिन एंड आई एम ट्रूली इन लव विद दिस गर्ल दिस गर्ल जूलियट नाउ ओके सो नाउ वी हैव रीच टू दी एंड ऑफ दिस वीडियो और यहां दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं मॉकटेस्ट नंबर टू मॉक टेस्ट नंबर टू मे बी इट्स नॉट बाय बाई व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो उसके नेक्स्ट डे जरूर पब्लिश हो जाएगा प्लीज डू वॉच ऑल दिज वीडियोज दिस इज सीरीज़ इससे आप बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स में कुछ एडिशनल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यूर एग्जाम्स एंड थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल जिससे की आपको नए नए वीडियोज की इन्फॉर्मेशन रेगुलरली मिलती रहे